अगर सुख में सुमरण करते रहोगे तो जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। दुख आता ही तब है, समझ लीजिए ये बात को, बिल्कुल हकीकत है। ग्रंथों की बात कभी झूठी नहीं होती है, संतों की बात कभी झूठी नहीं होती है। संतजन कहते हैं जीवन में व्यक्ति के दुख तभी आता है, बोले जब भगवान को भूला है। जिस क्षण भगवान को भूलोगे उसी क्षण से दुख आना आरंभ हो जाएगा, और भगवान को याद करते रहोगे तो बोले दुख नहीं आएगा, दुख कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ सुख शांति सब निवास करती है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ पर दुख ही आता है। एक छोटी सी बात याद आ गई, बहुत सुंदर बात। एक बार की बात, नारायण भगवान के मन में भाव आया कि मनुष्यों को कुछ दिया जाए, मानवों को कुछ दिया जाए। तो भगवान ने मनुष्यों को बुलाया, आओ मैं तुमको सब दूंगा, जो चाहिए वो ले जाओ, मेरे पास जो जो है वो सब मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो मनुष्य आए, भगवान ने अपनी झोली में से निकाल निकाल करके उनको देना आरंभ किया, सुख दिया, संपत्ति दी, मान सम्मान दिया, घर कोठी बंगले गाड़ी कार बेटी बेटा पत्नी सब दिया। एक वस्तु भगवान की झोली से निकल के नीचे गिर गई, जमीन पर गिर गई। भगवान ने उसके ऊपर अपना चरण रख लिया, उसको अपने चरण के नीचे छुपा लिया। लक्ष्मी जी ने देख लिया कि भगवान के पास एक नीचे कोई वस्तु गिर गई थी, उसको भगवान ने अपने चरणों के नीचे छुपा लिया है। जब झोली खाली हो गई, मनुष्यों ने देखा कि भगवान के पास अब कुछ नहीं है, प्रणाम करके जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जब सब दे दिया मनुष्य को तो एक वस्तु क्यों छुपा ली आपने? भगवान ने कहा, कहाँ, अरे प्रभु आपके चरणों के नीचे है, मैंने देख ली है। नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी शांत रहो, अगर इस वस्तु को भी मनुष्य को दे दूंगा तो फिर कभी भी मनुष्य मुझको पूछने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या है ये? भगवान ने कहा, इस वस्तु का नाम है शांति। क्या है? शांति। और ये हकीकत बात है, दुनिया में सुख मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएंगी, मान सम्मान मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर शांति कहाँ मिलेगी? बोले भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में ही शांति मिलेगी। और ध्यान देना, जीवन में हमारे पास सुख की कितनी भी सुविधाएं हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन जब तक शांति हमारे पास नहीं होगी, वो संपत्ति भी हमको सुख नहीं देगी, नहीं दे सकती। हमारे पास धन है, मान लो हमारे पास धन है, धन से हम बहुत अच्छा कमरा बना लेंगे, बहुत सुंदर कमरा हमने सजा लिया, बना लिया, बहुत सुंदर बिस्तर भी हमने मंगा लिया, खूब सुंदर सुंदर गद्दे भी लगा लिए, एसी भी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, पर मन में अगर शांति नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लो नींद आने वाली नहीं है, है? मन में कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो, कितने भी महंगे से महंगे बिस्तर पर लेट जाओ पर नींद नहीं आएगी। अगर मन में शांति नहीं है, सामने कितना भी सुंदर से सुंदर भोजन रखा हो, मन नहीं करेगा। व्यक्ति जब चिंता में होता ना तो कहता, भैया अभी मन शांत नहीं है, अभी भूख नहीं लग रही है, है? तो संसार का सुख तभी देता है, बोले जब हमारे पास शांति होती है। और शांति बोले दुनिया के किसी कार्य से नहीं मिलती है, दुनिया में प्राप्त नहीं होती है। शांति कहाँ मिलती है? बोले भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में, क्योंकि वहाँ रहती है शांति।